So guys, today we are going to start a new chapter, that is microorganism. Okay, the living is open chapter number 8, page number 80. Page number 80. All of you, inside this chapter we are going to discuss about basically the different microorganisms present around us, okay, like soil, water, एयर, मिल्क एटसेट्रा. ओके, यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर्स, उसकी बेनिफिशियल रोल्स, ओके, डिसएडवांटेज, उन सब पे डिस्कस करेंगे गाइस, और देखेंगे उनमें क्या जो बेसिकली इम्पोर्टेंस है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस. 8, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली इस पे डिस्कस हो रहा है. पेज नंबर क्या है आपका? पेज नंबर, प्लीज ओपन पेज नंबर 18 इन योर CGBSE बुक. ओके, सो 8.1 देखो. इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू द मिल्क, द होल मिल्क टर्न इनटू कर्ड स्लोली. इन द सेम वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टार्ट डिकेइंग. सम टाइम वी सडनली फॉल इट. Come let us try to know why does this happen and what are the root cause for it. So basically common सी बात है. देखना, आप घर में ये daily activity देखते हो, क्या करते हैं हम लोग, milk जो होता है उसको अच्छे से utensil में अच्छे से क्या करते हैं, गर्म करते हैं guys. और ये जो milk होता है, milk को गर्म करने के बाद, ठीक है, milk को हम लोग क्या करते हैं, basically फर्मेंटेशन के लिए छोड़ते हैं. बट उसमें क्या करते हैं, पहले से ही क्या होता है, कर्ड का कुछ पार्ट्स होते हैं, यानी कि कर्ड पोर्शन होता है. कर्ड का या तो उसका क्या रहेगा, कर्ड वाटर रहेगा, या तो पूरा का पूरा कर्ड रहता है. उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको पुट कर देते हैं मिल्क को. ठीक है, ये क्या होता है, बॉइल्ड मिल्क होता है, बॉइल्ड मिल्क. ओके, अब जैसे ही आप इसको क्या करते हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा कैप्ट करोगे, उसको रिमूव करोगे, ठीक है, तो इनसाइड द कर्ड वाटर दे आर परफॉर्म अंडर द मिल्क. ओके, एंड दे आर कन्वर्टेड मिल्क इनटू एसिड. पूरा का पूरा जो मिल्क मीठा होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, खट्टे में कन्वर्ट हो जाता है. मीन्स कुछ तो एक्टिविटीज के बीच होता होगा ना. वैसे ही आप फ्रूट्स को देखना, जब फ्रूट्स को हम लोग क्या करते हैं, लेके आते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, दे आर स्टार्टिंग टू डिकेइंग. ओके, वो सड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, रोटेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है. फिर बाद में अगर हम लोग उसको क्या करते हैं, अगर ईट करते हैं गाइस, तो उससे हमें क्या होती है, हमारी जो तबीयत है, हमारी जो बेसिकली हेल्थ है, वो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स कर सकती है, हेल्थ इश्यूज हमें फेस करना पड़ सकता है. तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इनमें एक बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करता है, जिसको बोलते हैं गाइस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, जैसे कुछ और एक्टिविटीज़ है, देखो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बुक में गिवेन होगा. देखो, प्रोटोजोन्स है, बैक्टीरियाज हैं, एल्गी है, वायरस है, एंड फंगिस. ओके, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आप जनरली इस रैनी सीजन में इजली ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो जो आपका रैनी सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा रहता है. ड्राई सीजन में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या होते हैं, जनरली अपने एक सेफ जोन में चले जाते हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटीज वो नहीं करते, लाइक वायरस है और कुछ फंगिस के ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, सो बेसिकली देखो, ये जो बॉयल मिल्क है, जब हम लोग क्या देखो, बॉयल करते क्यों है, पहली बात तो जब आप बेसिकली मिल्क लेके आते हो, ठीक है, जो भी जो मिल्क मैन होता है देता है आपको, तो पहले उस मिल्क को क्या करते हैं हम लोग, बॉयल करते हैं. रीजन क्या होता है बॉयल करने का, तो बेसिकली गाइस, जो मिल्क है उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ट्रिलियंस भी हो सकता है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसमें जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो उस प्रेजेंटेड जो बैक्टीरिया होता है उसमें लैक्टोबैसिलस भी होता है और अदर फैमिलीज की बैक्टीरियाज भी होता है. लैक्टोबैसिलस मिल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अदर फैमिलीज की जो बैक्टीरिया है वो इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं. तो सबसे पहले हम लोग मिल्क को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, ताकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, वो डिस्ट्रॉय हो जाए. तो आप इसको क्या करते हैं, अबो 100 डिग्री सेल्सियस.
अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो, बॉईल करते हो। कोई भी चीज़ याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ इस एटमॉस्फेयर में तभी उबलेगा, तभी बॉईल होगा जब उसका टेम्परेचर अबो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। या कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी थिंग्स, जनरली वाटर के फॉर्म में बोल रहा हूँ, अगर वाटर जो होता है, वाटर बेसिकली कौन से कंडीशन में फ्रीज होता है, जब उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या हो, बेसिकली -0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाती है। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस जब वो कॉज करती है और उससे ज़्यादा डिग्रीज होना स्टार्ट होगी, तो 0 में तो फ्रीज हो ही जाता है। ओके, वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेम एज मिल्क का भी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, अब रीजन क्या है बॉइल किए हम लोग, तो बॉइल करने से क्या हुए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो सब क्या हो गए, किल हो गया इसके अंदर। ओके, और ये जो मिल्क है वो पूरी पूरी तरह से क्या हो गया, सेफ हो गया गाइस। इसको थोड़े टाइम तक हम लोग ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कर्ड में मिक्स करते हैं। बट कर्ड में मिक्स करने पर उसमें कर्ड में जब आप स्टार्टिंग में देखना, जब स्टार्टिंग फेस होता है तो उसमें कर्ड का थोड़ा सा उसमें क्या डालते हैं, सैंपल डाल देते हैं, थोड़ा सा सोर्स डालते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए गाइस, देखो मिल्क जो होता है एक्चुअल में होता है वो लैक्टोज शुगर। क्या होता है वो, लैक्टोज शुगर, दिस इज कॉल्ड बेसिकली लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर मीन्स यह है कि मिल्क में अपना खुद का क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, मिल्क जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है, याद रखना, एक लैक्टोज शुगर प्लस वाटर। मीन्स जो काऊ है, जो कैमल है, जो गोट होती है, जिनसे हम लोग मिल्किंग करते हैं, उनमें जनरली क्या होता है, उनके बॉडी में ये ऑटोमेटिकली बन के आता है, जिसमें लैक्टोज शुगर प्लस वाटर मिक्स्ड होता है एक फिक्स कंपोजिशन में। जब वो बाहर आता है तो ये जो मिल्क होता है ना, उसको हम लोग बॉयल कंडीशन में लेके जाते हैं, बॉयल करते हैं। तो बॉयल करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपराइज होके रिमूव हो जाता है। ओके, निकलना स्टार्ट कर देता है, और कुछ टाइम बाद जो मिल्क होता है, ठीक है, जब आप उसको हीट करते रहोगे तो बॉयल होके क्या होता है, एक छोटा सा सैंपल, ठीक है, एक नीचे जो होता है पीपीटी जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गाइस हम लोग खोवा। जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खोवा बोलते हैं ना। तो खोवा में मतलब जो ये मिल्क है, क्या इसमें हम लोगों ने शुगर ऐड किया, नहीं, एक्सटर्नल शुगर को ऐड किया, नहीं, बट फिर भी इसका जो टेस्ट है वो मीठा हो गया, इसमें खोवा बन गया। एग्जैक्टली मीनिंग ये हुआ कि वाटर तो वेपराइज होके निकल गया, मीन्स लैक्टोज शुगर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इस लैक्टोज शुगर के लिए बेसिकली इसमें एक बैक्टीरिया होता है, इसके टेस्ट को बनाए रखने के लिए एंड बेसिकली इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं गाइस लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक होता है थर्मोफिलस, एक होता है बल्गेरिस। ठीक है, तो थर्मोफिलस लिख लेता हूं मैं, थर्मोफिलस। देखो लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस की क्या नेचर है, थर्मोफिलस मीन्स होता है टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंग या फिर टेम्परेचर को एक्सेप्टेबल बनाने वाला बैक्टीरिया। ये जो लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस होता है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, सर्वाइव करा सकता है। ठीक है, एक होता है बुल्गेरिस का कंडीशन, तो दोनों में कॉमन बात है, बस बैक्टीरिया का नाम आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लैक्टोज शुगर को ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है गाइस, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लैक्टिक एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे ये जो मिल्क होता है वो कौन से फॉर्म में आ जाता है, एसिड फॉर्म में आ जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। ठीक है, टेस्ट इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली सॉर हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे यही है, ठीक है, कि आपको लैक्टोबैसिलस की क्या करना है, प्रेजेंसी समझना है। तो देखो कई बार क्या होता है, जब हम इसको ज़्यादा ओवर हीट कर देते हैं, ओवर बॉयल कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठंडा करने के बाद भी इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता है। एंड जब आप इसको डायरेक्टली डालोगे तो उसमें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अपना एक्टिविटी करेंगे। तो क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, कर्ड का जो वाटर होता है या कर्ड का थोड़ा सा सैंपल होता है उसको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि कर्ड में पहले से ही क्या होता है, लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस होता है, वो मिल्क में जाता है, मिल्क के जितने भी लैक्टोज शुगर होते हैं उनको खाते जाता है, और उसके बदले क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड, जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा दूध जो होता है कुछ ही घंटों में, आप देखना, ठीक है, जैसे ही आप ऐड करोगे ना, तो सिर्फ एक दिन में क्या होता है, पूरा कर्ड में चेंज हो जाता है, या कुछ ही आवर्स का टाइम लेता है वो कर्ड में चेंज होने के लिए, इतना फास्ट क्या होता है, लैक्टोबैसिलस का बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। सोचो एक छोटे से अमाउंट में अगर हम लोग कर्ड डाल देते हैं ना, तो पूरे जो मिल्क होता है बहुत बड़ा सोर्स, उसको पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। ठीक है, मतलब वो वर्क कर रहा है उस पर, उसको खाते जा रहा है, तो इतना सारा बैक्टीरिया, सोचो कितना सारा बैक्टीरिया होगा जो पूरे मिल्क को एक बार खा के क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी लैक्टिक एसिड बना रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको ये पॉइंट्स लैक्टोबैसिलस और ये मेथड आपको पता होना चाहिए। सेम है, यही फंक्शन जो होता है फ्रूक्टोज
फ्रूट के साथ होता है, फ्रूट्स में जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं बट रिएक्टिविटी सेम होती है। ओके ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है, यू नो दैट इन अवर अर्थ जस्ट बिलो द फिगर 8.1, ओके यू नो दैट इन अवर अर्थ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रीज, प्लांट, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, बर्ड, फिश, एंट्स एटसेट्रा, ऑल दिस कैन बी सीन विथ अवर नेक्ड आइज। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो हमारे इस अर्थ में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जैसे एक लेवल हो गया एलिफेंट का हो गया, ओके एलिफेंट, यहाँ तक कि एंट हो गया, ठीक है, और भी क्या है, प्लांट्स हैं। ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, हमको विजिबल होती है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा सा अगर यहाँ से कीड़ा भी जाएगा, कोई इंसेक्ट जाएगी या कोई एंट्स भी होगी, तो भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, मॉस्किटो को भी देख सकते हैं। बट गाइस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है दे कांट बी सीन बाय द नेक्ड आईज, हम इसको खुली आंखों से देख नहीं सकते। ओके तो आप इसको हमेशा याद रखना, आप खुली आंखों से इसको देख सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड यूज होता है, जनरली जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है मल्टी सेलुलर नेचर का होता है, यानी बहुत सारे काइंड्स ऑफ टिश्यू का फॉर्म होता है उसकी बॉडी, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आइज से खुली आंखों से देख सकते हैं। बट जो यूनिसेलुलर का होता है, यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है, जो एक सिंगल सेल का बना होता है जिसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं, इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट देखो, दिस ऑल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दिस आर नॉट द ओनली वन इन द लिविंग वर्ल्ड, देयर इज अनोदर वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन विथ अवर नेक्ड आइज बट देयर प्रेजेंस इन फेल्ट, सच ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सो वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप से जो विजिबल हो, माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है, जिसको आप देख भी नहीं सकते, तो उसको जब बेसिकली हम लोग विजुअलाइज करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जनरली दिखाई देते हैं। ओके एंड इट इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच टर्न मिल्क टू कर्ड, यही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, डीके द मटेरियल एंड ऑल द कॉज ऑफ सम डिजीज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है गाइस जो बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को सड़ाती है, ठीक है। जैसे कोई ह्यूमन बींग्स की या फिर किसी एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो आप जनरली ऑब्जर्व किए होंगे कि आफ्टर सम डेज दे आर स्टार्टिंग टू डिकेइंग इन रोटेटिंग, ओके वो सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाती है उसकी बॉडी, ना उसमें कोई ह्यूमन बींग्स के थ्रू कोई एक्टिविटी परफॉर्म होता है ना कुछ, ऑटोमेटिकली उसमें बैक्टीरिया होती है जो क्या करता है, अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है और उसके बॉडी को पूरी तरह से डिकम्पोज कर देती है, राइट। तो ये जो है, ये परफॉर्मेंस किसके थ्रू हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जो एक ह्यूमन बींग्स उसको जनरली मेल्ट करने के लिए इतना सारा फ्यूल यूज करता है, वहीं पे सोचो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनकी नंबर्स की पॉपुलेशन की वजह से वो क्या होती है, रोस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो डिकेइंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें आप हर जगह देखते हो, ठीक है, जैसे फंगस ग्रो होता है, ठीक है, वो है डिसीज है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बेसिकली फीवर से हम लोग सफरिंग करते हैं, एंड कॉमन कोल्ड है, ठीक है, डेंगू है, डेंगू के लिए हालांकि मॉस्किटो है बट पैरासाइट जो होता है उसका मेन कॉज होता है, ओके एंड आप जैसे कोरोना को लो, जो कोरोना वायरस होता है कोविड का, ठीक है, वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही, हम उसको देख सकते हैं क्या, नहीं, बट उसकी एक्टिविटी सोचो कितना डेंजरस है हमारे के लिए। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थिंग है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 8.2, कम ऑन लेट अस सी हाउ स्मॉल दे आर,
तो अब देखते हैं हम लोग कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितने छोटे होते हैं। ओके कितने, देखो माइक्रो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में दो चीजें आप याद रखना हमेशा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मींस एशियन टाइम वाले टाइप के होते हैं, इनमें कोई एडवांस लेवल नहीं होता, मींस दे हैव द लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव द बेसिकली डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड देयर सेल क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑल द सेल ऑर्गन्स। ओके एंड बेसिकली दे हैव लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ओके ऑल अबाउट एंड बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होते हैं गाइस, यूनिसेलुलर होते हैं, दिस ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मींस उनकी पूरी बॉडी एक सिंगल सेल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमारी जो एक्टिविटी है वो देखो यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेल्स मिलेंगे आपको, तो यहाँ मिलियंस ऑफ सेल्स में सोचो सिंगल एक छोटा सा सेल्स किसका होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जो अकेला अपना क्या करता है, फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है सोचो एक छोटा सा वायरस का, अगर एक छोटा सा वायरस जो हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, वो अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो पूरे बॉडी को डिस्टर्ब करके रख देता है, तो सोचो वो कितना डेंजरस होता होगा। मीन्स छोटा सा तो है बट बहुत डेंजरस है। ठीक है हमारी बॉडी जो इतना बड़ा बॉडी है उसको डिस्टर्ब करके रखता है, लाइक वही जो बेसिकली यूज करते हैं ना हम लोग एलिफेंट एंड एंट्स के लिए, सेम वैसे ही कंडीशन हमारे लिए यूज हो जाएगा एज अ केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।